मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गया है और तथ्यहीन बातों को लेकर सदन को बाधित किया जा रहा है। राजभवन जाने के मामले पर बीजेपी के निकाय को लेकर मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अगर वह राजभवन नहीं जाएंगे तो जनता के सामने उनका नकाब उतर जाएगा कि वो झारखंड विरोधी है। सदन की कार्यवाही और विपक्ष के हंगामे को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता ने। काफी हंगामेदार रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर। हम सीधे उनसे बात करते हैं। मिथिलेश जी, आज हमने देखा सदन में कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से आप लोगों ने भी पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराया, आपत्ति दर्ज कराई है। आखिर इस विरोध का कारण क्या है? देखिए, विपक्ष की तो नियति बन गई है, वो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। बहुत कहा जाए तो तथ्यहीन बातों को लेकर ये सदन। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो बातचीत करते हैं। जब स्थानीय नीति बनाई गई तो बहुत सोच समझकर यहाँ की स्थानीय नीति बनाई गई ताकि स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। जैसा की भाजपा की सरकार ने पिछले 14 से 19 तक भाजपा की सरकार रही और उसमें जितनी भी नियुक्तियां आई अधिकतर नियुक्तियों पर दूसरे राज्य के लोगों में, खास करके यूपी के लोगों ने और बिहार के लोगों ने कब्जा जमा लिया। आज इतने शिक्षक यहाँ यूपी के हैं जिन्हें झारखंड के बारे में कोई जानकारी नहीं और इतनी थोक बजाकर इतने पारदर्शी तरीके से नियोजन नीति बनाई गई थी। अब कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और अपील करता भी कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे रमेश हरदा जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कतई नहीं चाहते हैं कि इस राज्य में, इस राज्य की जनता जो है, राज्य के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनको उनका हक अधिकार मिले। अगर उनको उनका हक अधिकार मिल जाएगा तो इनकी दाल यहां नहीं गलेगी, यही इनकी सोच है। लेकिन सर, आज जब आप लोग राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं और आपने तमाम दलों के नेताओं को लेटर लिखा है और कहा है कि इस सर्वदलीय जो मुलाकात होने जा रही है गवर्नर से, उसमें आप बीजेपी के भी विधायक चले, नेता चले, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये जो मुलाकात होने जा रही है या फिर जो सरकार का जो स्टैंड है, ये तीर्थ यात्रा के समान है और सरकार इस मामले में विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए, हमने तो विधानसभा में पारित करवा लिया और उस समय ये जनता के डर से मौन रहे। यहाँ के लोगों का हक अधिकार मारने का जो उनकी नियत है वो पूरी तरह से उजागर हो रहा है और अगर आज नहीं जाते हैं वो सर्वदलीय जो कमेटी जा रही है सर्वदलीय महामहिम के पास, तो ये जनता के बीच दंगे हो जाएंगे। क्योंकि जनता चाहती है कि यहाँ के राज्य, यहाँ के जो मूलवासी है, आदिवासी हैं, वो चाहते हैं कि 32 का हथियार लागू हो और ये अगर ऐसा करते हैं तो साफ साफ वो झलकेगा, साफ साफ दिखेगा कि ये झारखंड विरोधी हैं, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के विरोधी हैं। स्थानीय नीति के मुद्दे पर राजनीति जो है झारखंड में और तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह है कि झारखंड की आवाम को स्थानीय नीति कब बनता है। सहयोगी कामरान के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।